अमेठी थाना मुसाफिर खाना व एसओजी टीम पुलिस द्वारा मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार व लूट का 17,600 रुपये व 1 किलो 118 ग्राम पीली धातु सोना, 8 किलो 847 ग्राम सफ़ेद धातु चांदी, 3 बैग, 1 DL, आधार कार्ड, 1 पासबुक, 1 अदद अवैध पिस्टल व 1 अदद खोखा कारतूस, 32 बोर, 1 अदद अवैध तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 अदद अवैध चाकू व 1 अदद मोबाइल कब्जे से बरामद। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। बारह कल की घटना है। छेदी हाजी सर्राफ मुसाफिर खाना अपना दुकान बंद करके शाम करीब 7 बजे अपने नौकर के साथ अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में 3 लोगों ने सुपर स्प्लेंडर गाड़ी पर आकर के उनकी आंखों में मिर्ची डालकर तमंचा लगाकर उनका बैग छीन लिया। जैसे ही घटना पता चली पूरे जनपद की नाकेबंदी कर दी गई। थानाध्यक्ष मोहनगंज, थानाध्यक्ष शिवरतनगंज, कमरौली, मुसाफिर खाना के क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एसओजी की टीम पूरे जनपद की नाकेबंदी कर दी गई और तलाशियां की गई, सुराखी की गई। वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको भी हम लोगों ने खंगाला और इसका परिणाम ही हुआ कि 4 बजे रसूलाबाद के जंगल के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी फायर किया जिसके अंतर्गत गुफरान और सुरेश दो अपराधियों के पैर में गोली लगी। पुलिस पार्टी में हमारे एसओजी प्रभारी घायल हुए। पुलिस ने उनके पास से सारे लूटे गए सामान की रिकवरी कर ली जिसमें 1 किलो 118 ग्राम सोना, लगभग 1.25 किलो सोना, 8 किलो 847 ग्राम चांदी, 17,600 रुपये नकद और उसके अलावा उनकी दुकान की चाबी, बैग जो भी था सारा का सारा माल इन अभियुक्तों से गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्त घायल हुए हैं, 1 अभियुक्त सगीर की गिरफ्तारी हुई है, 2 अभियुक्त कस्बा मुसाफिर खाना के ही रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त सुल्तानपुर का रहने वाला है। ये एक मात्र 10 घंटे के अंदर एक बड़ी घटना का खुलासा हमारी टीम ने अपने आपसी कोऑर्डिनेशन और परिश्रम पूर्वक किया है, जिसके लिए मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये के कैश पुरस्कार से पुरस्कृत करता हूँ। उत्साह इन जो लूटकांड को अंजाम दिया है इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अभी इसकी जानकारी की जा रही है। इसमें से एक के आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है, जैसे होगा उसको हम आगे बताएंगे।